now talking about different mode of advertisements first of all the old standbys before the internet explosion listing oneself in the classified pages of a local telephone directory seemed as important way of attracting clients initially you ho shared three decades ago in the newspapers or in ya telephone ki classified dictionary ke andar telephone numbers milte hospitals hospital जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स uh, के होते थे और uh, पाकिस्तान में उस वक्त uh, इतना ट्रेंड नहीं था कि मैंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी उन डायरेक्टरीज में अपने नाम देते लेकिन शायद कहीं ओकेजनली वी कैन ऑल्सो सी वन और वेरी फ्यू नेम्स इन टू इट बिज़नेस कार्ड रिमेन एन एडवर्टिजमेंट स्टेपल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उसमें भी प्रोफेशनल्स अपने कार्ड्स जो हैं वो प्रिंट करवा लेते हैं और वो एज़ पर नीड अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं ताकि वो उनको ई मेल उनको फ़ोन नंबर या उनको एड्रेस के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकें डायरेक्ट सॉलिसिटेशन इज अनदर वे वाल इज नथिंग रॉन्ग थेरेपिस्ट अनाउंसिंग जनरल अवेलेबिलिटी टू द कम्युनिटी थ्रू एडवर्टाइजमेंट क्योंकि ये उनका राइट right है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं विद सम लीगल एंड एथिकल बाइंडिंग्स डायरेक्ट सॉलिसिटेशन ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैज कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर अब्यूज एंड डिस्ट्रेस अब डायरेक्ट सॉलिसिटेशन में क्या इंक्लूड होगा कि आप किसी को पर्सनल कॉल करते हैं उसके पर्सनल नंबर पे और उसको बताते हैं कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रबता कर सकते हैं दिस इज समथिंग वेरी अनएथिकल आइदर इन अ केस दैट यू नो दैट सम पर्सन इज गोइंग थ्रू सम डिस्ट्रेस एंड इवन यू नो दैट सम पर्सन इज नॉट गोइंग थ्रू एनी डिस्ट्रेस आप जनरल कम्युनिटी में भी कॉल कर रहे हैं सो so, इस तरह पर्सनली किसी को अप्रोच करना इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस Then the therapist's special expertise and knowledge are generally accorded to a degree of respect and deference and predisposing clients to follow their advi advice and recommendations. Now, you degree a degree respect, a value, a worth, which you a generally to cash ke liye, ko is se personally approach karna, that I am the only person who is certified clinical. Uh, साइकोलॉजिस्ट और सकेट्रिस्ट इन दिस एरिया तो आप सिर्फ मुझसे राता करें इस तरह की जो पर्सनल सॉलिसटेशन हैं ये अनएथिकल कंसिडर होती हैं थेरेपिस्ट मस्ट रिकोगगनाइज देयर सोशल इन्फ्लुंस एंड कंसिडर टू यूज़ इट वेरी केयरफुली अगर कोई uh, बहुत रिकोगनाइजेबल पर्सन है कोई फेमस पर्सनलिटी है वो अगर लोगों को ख़ुद रीच आउट करने लग जाए तो एट टाइम्स उससे जनरल कम्यूनिटी में लोग इनफ्लेंस होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों में अपने इन्फ्लूस को केयरफुली यूज़ करना भी एक थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैन रेफरल सर्विसेज़। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑपरेट अ सर्विस बाई विच कॉलर्स स्पेसिफाई दैम एंड दे कॉल दैम एंड दे आस्ट दैम कि हमें इस इस प्रॉब्लम के लिए कोई इंडिविजुअल आप रेफर कर दें अब उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आती है कि वो जिस uh, नेचर का उनके पास जो है वो क्लाइंट आया है जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड आया उसके स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को ही सिर्फ रेफ़र करें दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अप्रोप्रिएट रेफरल अगर आप वो रेफरल अप्रोप्रिएट नहीं करते और आप एक जो है वो बच्चे को एक माइनर को एक ऐसे रेफरल पे भेज देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल गेन कि वहाँ से आपको फ़ायदा होगा रेफ़र करने में लेकिन उस क्लाइंट को उसका उल्टा नुकसान होगा क्योंकि वो थेरेपिस्ट उस फील्ड का या उन माइनर्स के साथ काम करने का स्पेशलिस्ट नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी अनएथिकल uh, जो है वो कंसिडरेशन होगी और बल्कि ये इलीगल uh, भी है मगर uh, जहाँ पर इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ वहाँ एटलीस्ट ये अनएथिकल ज़रूर है कि रेफरल जो है वो अप्रोप्रिएट ना किया जाए क्लाइंट्स आर एडवाइज द सर्विस इज नॉट इनडोरसिंग एनी पर्टिकुलर प्रोवाइडर बट रादर प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हु सीम्स टू मीट द क्लाइंट्स स्टेटेड नीड्स दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी कि वो इसी uh, रूल को फॉलो करे कि वो किसी को अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे रिकमेंड नहीं करी रादर वो सिर्फ इसलिए रिकमेंड करी है क्योंकि इस क्लाइंट को इसी थेरेपस्ट के पास जाने से फ़ायदा होगा क्लाइंट्स अनएबल टू पे नॉर्मल थेरेपी फीस आर रिफर टू दो स्लाइडिंग फीस स्केल्स टू दू द कम्युनिटी क्लिनिशंस अब उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास ऐसे क्लाइंट्स भी आ सकते हैं जो कि इतने अफोर्डेबल ना हो दे कांड पे हाई अमाउंट ऑफ़ फ़ी विच इज़ जनरली बींग चार्ज बाई मटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तो वो उनको सब्सिडाइज जो रेट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल होते हैं जो उनसे इतनी फ़ी चार्ज नहीं करे होते तो वो कंपनीज की एथिकल जिम्मेदारी है कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स उनको उनके पास रेफ़र कर दें रैन रिफ्यूजिंग दैम कि हमारे पास सिर्फ अफोर्डेबल क्लाइंट्स के लिए कम्यूनिटी सर्विस मौजूद हैं और हम ये मैंटल हेल्थ सर्विसज़ उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते जो अफोर्ड नहीं कर सकते सो देर शुड बी अ प्रॉपर वे टू हैंडल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द क्लाइंट विच इज़ कमिंग टू दैम और इसी तरह हम एडवर्टिजमेंट के डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हुए एडवर्टिजमेंट uh, कर सकते हैं अबाउट द प्राइवेट मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस लेकिन उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है